अलैक्म, ये हम नीम के पत्ते तोड़वा रहे हैं। ये नीम के पत्ते कहीं काफ़ी ज़्यादा ज़रा तोड़ रहे हैं। हाँ नीम का पेड़ है, इस पे चावलों में डालने नीम के पत्ते। ये नीम के पत्ते मानी में थोड़े नीम के बहुत फ़ायदे हैं। नीम के में से बहुत सी बीमारियां पौधों की भी दूर होती हैं, इंसानों की भी, इंसानों में जो बीमारियां वो भी नीम से दूर होती है। तो माशाल्लाह ये घर में पेड़ है मेरे घर में, तो नीम का इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये आप अपने जो दालें वाले हैं, चावल हैं, उनमें नीम के पत्ते डालें, सुखा कर इनको डालते हैं नीम के पत्तों को। कुछ लोग ऐसे भी डालते हैं देते हैं, लेकिन कहते हैं कि सुखा के अगर डालें तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। जिन लोग जो लोग मेरी वीडियो पे नए हैं वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। और नीम का पेड़ आप कोशिश करें अपने घर में उगाएं, नीम के बहुत फ़ायदे। नीम के पेड़ के नीचे इवन बैठने से नीम और नींबू, ये दो दरख्त ऐसे हैं, लेमन और ये नीम, इन दो के नीचे बैठने से और इसके नीचे सोने से और बैठने से बहुत सी इंसान की वैसी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। आप इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा सा कमेंट कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए अल्लाह के पास। Thank you.
अस्सलाम वालेकुम। कल मैंने ये नीम के पत्ते हैं, टहनियाँ मैंने तुड़वाई थी नीम की दरख्त पर से, तो ये जब ज़रा सूख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह इसको आप चावलों में अपने जो आपने स्टोर किए हुए चावलों में डालें, कीड़ा नहीं लगता चावलों में, दालों में डाल सकते हैं और आपके कोई हों तो उसमें आप डालें। थोड़े से पत्ते मैंने ये सुखाने के लिए रखे, जब सूख जाएंगे तो चावलों में पड़ेंगे। दूसरा मैंने कुछ पत्तों को जो है वो टब में भिगो के, तो माली से कहा था कि टब में भिगो दें, तो अब जब वो दो तीन दिन के बाद माली आएगा तो फिर उसमें मैं ये टब में भीगे हुए हैं, तो ये टब में भीगे हुए जो है ना ये पानी भी पड़ा हुआ है इसके अंदर, आप ये देखेंगे इसके अंदर पानी है, ठीक है। और ये नीम के पत्ते मैंने भिगोए हुए हैं दो टबों में, तो जब पानी ये दो तीन दिन के बाद, आज जो है वो संडे है तो मंडे ट्यूसडे को माली इंशाल्लाह आएगा, तो ये दोनों पत्ते निकलवा के पत्तों के साथ ही मैं इसको विद पत्तों में पौधों में की जो पौधों में बस ऐसी डलवा दूँगी, तो वो अंदर थोड़ा सा आप अगर मिट्टी खोद के डाल लें तब भी ठीक है, अगर वैसे डाल लें तब भी ठीक है, तो डाल दें तो उससे ये होगा कि पौधों की जो जड़ें वगैरह हैं, जो क्योंकि अब ये है जुलाई का एंड हो रहा है, अगस्त और फिर सितंबर में सब्जियां लगानी है, तो फिर सब्जियां लगाने के लिए जो हमारी मिट्टी है ना इस वक्त वो थोड़ी, क्योंकि बारिश हुई है गीली बहुत है मिट्टी इस वक्त, तो अब ये जो नीम का जो है ना पानी और नीम के पत्ते ये बीमारियों को दूर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है, तो जो पत्तों पर पौधों पर जो बीमारियाँ लगती हैं कीड़े उसके लिए भी एज ए स्प्रे का काम करेगा ये नीम का पानी, तो थोड़ा सा नीम का पानी को हम स्प्रे के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं कि इसका आप पानी निकाल के तो किसी बॉटल में किसी जगह पर रख लें, बड़ी सी बॉटल में, और वो पानी आप स्प्रे की बॉटल से आप स्प्रे करें, और वैसे भी आप उसकी जड़ों में भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा पानी इसको निकाल के ना मैं कोशिश करूँगी कि इस विद नीम के पत्ते इसको मैं ग्राइंड कर लूँ, और उसकी बोतल वो पानी बोतल मैं अलग रखूँगी, वो मैं आपको दिखाऊँगी नेक्स्ट क्लिप में, और बाकी पानी जो है ना वो मैं इधर पौधों में जहाँ पे अब सब्ज़ी इंशाल्लाह लगवानी है सितंबर में, तो वहाँ पे ये सारा पानी इन पौधों में ये पानी विद लीव्स जो हैं वो डल जाएगा, ताकि ये जो ज़मीन के अंदर जो बारिशों से जो इसके अंदर जो फंगस वगैरह क्रिएट हो जाती है तो वो नीम जो है वो उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।